कारगिल विजय दिवस के 21 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न, पूरा मुल्क कर रहा है जांबाज शहीदों को सलाम। कारगिल विजय दिवस पर लद्दाख के द्रास जाएंगे सदर जमहूरी रामनाथ कोविंद, कारगिल में शहीद हुए जवानों को पेश करेंगे खराज खिदमत। लद्दाख के द्रास में सीडीएस विपिन रावत भी शहीदों को पेश करेंगे खराज अकीदत, जाबाज फौजियों की बहादुरी की कहानियों को करेंगे याद। कारगिल विजय दिवस पर नेशनल वॉर मेमोरियल में जाएंगे राजनाथ सिंह, कारगिल जंग के दौरान शहीद हुए जवानों को पेश करेंगे खराज अकीदत। नेशनल वॉर मेमोरियल में वजीर दिफा के साथ तीनों अफवाज के सदर भी रहेंगे मौजूद, शहीद जवानों को करेंगे सलाम। कारगिल विजय दिवस का जश्न बीजेपी हेडक्वार्टर में भी मनाया जाएगा, बीजेपी सदर जेपी नड्डा कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को पेश करेंगे खराज अकीदत। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एलओसी का किया दौरा, द्रास सेक्टर जाकर कारगिल के शहीदों को किया सलाम, बिपिन रावत ने फौजियों से की मुलाकात। फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकिस्तान का राग, कहा भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत ही वाहिद रास्ता, हिंदुस्तान की ताकत पर भी जताया शुभा। कुलगाम में एक प्रोग्राम के दौरान फारूक ने कहा दोनों ममालिक को समझना चाहिए कि अगर जंग हुई तो कोई भी एक दूसरे से जंग जीत नहीं पाएगा। यूके इंतखाब में खुले इमरान की पोल, नमाज की पार्टी के उम्मीदवार ने भारत से मदद लेने की बात कही, बोले इंतखाब में धांधली हुई तो मैं भारत से मदद मांगूंगा। पीएमएल लीडर चौधरी इस्माइल गुर्जर बोले इंतखाब के दौरान तशद्दुद को रोकना चाहिए, पाकिस्तान से अच्छा तो हिंदुस्तान है, कम से कम वहां तशद्दुद तो नहीं होता। यूके इंतजार के दौरान इंतजामिया की ज्यादतियों से तंग आकर इस्माइल ने इंडिया से मदद की बात कही थी, कहा ऐसा नहीं हुआ तो हालात और बदतर होंगे। आज सावन का पहला पीर, मंदिरों में लगा भक्तों का रेला, भोलेनाथ पर दूध और जल से अभिषेक किया जा रहा है। आज किसान पार्लियामेंट की कमान खवातीन के हाथों में होगी, राकेश टिकैत ने कहा आज और 9 अगस्त को जंतर मंतर पर खातून पार्लियामेंट चलाएंगी। 200 खवातीन किसान पार्लियामेंट पर जंतर मंतर जाएंगी, पार्लियामेंट के मानसून इजलास के साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की पार्लियामेंट भी जारी। ममता बनर्जी का 5 दिनों का दिल्ली दौरा, आज से दोपहर 3 बजे कोलकाता से दिल्ली के लिए होंगी रवाना, 27 से 29 जुलाई तक दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में ममता बनर्जी की कई हिजब इख्तलाफ के लीडरान के साथ होगी बैठक, ममता बनर्जी पार्लियामेंट जाकर भी लीडरान से करेंगे मुलाकात। ममता बनर्जी पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात, बंगाल में वैक्सीनेशन को लेकर ममता बनर्जी पीएम से कर सकती हैं बात। कर्नाटक बीजेपी में आज हो सकता है बड़ा फेरबदल, येदियुरप्पा वजीर आला बने रहेंगे या नहीं आज होगा फैसला। कर्नाटक के वजीर आला बीएस येदियुरप्पा ने खुद इस बात की जानकारी दी, कहा मुझे अब तक मरकजी कयादत का नहीं मिला कोई पैगाम। सीएम येदियुरप्पा ने कहा उन्होंने 2 महीने पहले इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, कर्नाटक के सबसे असरअंदाज लिंगायत तबके से आते हैं येदियुरप्पा। असम को वजीर दाखिला अमित शाह ने दिया कई मंसूबों का तोहफा, कहा रियासत में दहशतगर्दी नहीं तरक्की हो रही है, कांग्रेस ने वादे के अलावा कुछ नहीं किया। हिमाचल के किन्नौर में सयाहों की गाड़ी पर पहाड़ी से टूट कर गिरी चट्टाने, चट्टान गिरने से पुल टूटे, 9 लोगों की मौत, 3 जख्मी। किन्नौर में राहत और बचाव का काम जारी, सदर जमहूरी और पीएम ने जताया अफसोस, 2 लाख की मदद का ऐलान। किन्नौर में लैंडस्लाइड के बाद हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे पर जताया अफसोस, आईटीबीपी राहत के कामों में जुटी। महाराष्ट्र में भारी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड से अब तक 149 लोगों की मौत, सरकार के मुताबिक अभी भी 64 लोग लापता। भारी बारिश ने गुजरात को भी किया बेहाल, जूनागढ़ की सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, सड़कों पर लबालब भरा पानी।
गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल, हर तरफ बहते देखी पानी की तेज धारा, सयाहों की बड़ी मुसीबत। महाराष्ट्र के सांगली में सैलाब का कहर, कई इमारतों समेत पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन भी पूरी तरह से पानी में डूबे। सांगली में पहली मंजिल तक पहुंचा सैलाब का पानी, पूरा बाजार पानी में गरकाब, नाव के जरिए लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। महाराष्ट्र के सांगली में सैलाब से हाहाकार, सड़कों पर पानी भरने की वजह से पूरी कार पानी में डूबी, कुछ कारों में फंसे थे लोग। गुजरात में डांग जिले के गीरा वाटरफॉल में तेज हुआ पानी का बहाव, कोरोना के दौर में भी दूर दूर से पहुंच रहे हैं सैलानी। विशाखापट्टनम के तांडव रिजर्वायर से छोड़ा गया पानी, पानी से करीब 52,000 एकड़ जमीन की हो सकेगी आबपाशी। दिल्ली में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी, आज से 100% अहलियत के साथ दौड़ेगी मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसों में भी पूरी अहलियत के साथ चलेंगे मुसाफिर। दिल्ली में नई गाइडलाइंस के तहत सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बिजनेस से जुड़े लोगों को भी राहत, 50% अहलियत के साथ खोलने की इजाजत। दिल्ली में अब शादी तकरीब में भी 50 की जगह 100 लोग हो सकेंगे शामिल, दूसरी लहर में रफ्तार धीमी होने की वजह से फैसला। मध्य प्रदेश में आज से 50% अहलियत के साथ खुलेंगे 11वीं 12वीं के स्कूल, हफ्ते में 2 दिन लगेंगे क्लासेस। मुल्क में कोरोना के मामलों में तेजी जारी, पिछले 24 घंटे में करीब 40,000 लोग हुए कोरोना इन्फेक्टेड, 535 लोगों की गई जान। मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में खवातीन ने की मास्क पर कलाकारी, कोरोना के दौर में पथ चित्र हुनर के लिए मास्क बना कैनवस। मायावती के बाद अखिलेश यादव की भी नजर, ब्राह्मण वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी भी अब ब्राह्मण इजलास करने जा रही है। अखिलेश यादव ने इतवार को पार्टी के 5 ब्राह्मण लीडरों से की मुलाकात, इजलास में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने की कोशिश। लखनऊ में सीएम योगी आज सुबह 11 बजे up.mygovernment.in पोर्टल का करेंगे इफ्तिताह, इस पोर्टल की मदद से यूपी सरकार और आवाम के बीच होगी सीधी बातचीत। सीएम योगी ने अयोध्या में मृत गोपाल दास से की मुलाकात, मणिराम दास छावनी में हुई मुलाकात। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने सुग्रीव किला का भी किया दौरा, संतों से भी सीएम ने की मुलाकात। एसपी लीडर पवन पांडे ने 2022 इंतखाब के लिए किया दावा, कहा ब्राह्मण और यादव अखिलेश यादव के साथ खड़ा होगा, बीजेपी सरकार में ब्राह्मण समाज परेशान। मुकेश सहनी की इमारत में साबिक सीएम जीतन राम मांझी, ट्वीट कर फूलन देवी के मुजस्समे को जब्त करने पर यूपी सरकार की मजम्मत। पंजाब कांग्रेस सदर बनने पर नवजोत सिद्धू को पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दी मुबारकबाद, कहा पूरी दुनिया में सिखों के लिए फख्र की बात। बिहार में जातीय मर्दमशुमारी का मुद्दा पर आर पार के मूड में जेडीयू, आरजेडी बोली अपने खर्च पर सीएम करा ले मर्दमशुमारी। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश के मुद्दे पर कांग्रेस एमपी बोले, हेमंत सरकार को गैर मुस्तहकम करने की साजिश, बीजेपी ने ली चुटकी। गहलोत काबिना तौसी की तैयारियां तेज, जराय कवाले से खबर, 28 से 29 जुलाई तक हो सकता है काबिना तौसी या फिर बदल। राजस्थान में काबिना तौसी के बीच सियासी तकर्रुरियों को लेकर फार्मूला तैयार, जराय के मुताबिक बोर्ड कॉरपोरेशन में एमएलए को नहीं मिलेगी जगह। आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ असेंबली का मानसून इजलास, सेशन से पहले सीएम के रिहायशगाह पर कांग्रेस पार्टी लेजिस्लेचर की बैठक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सियासी भूचाल, एमएलए बृहस्पति सिंह का टीएस सिंहदेव पर तशवीशनाक इल्जाम, कहा मेरा कत्ल करवा सकते हैं महाराज।
बिहार के साबिक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नया अवतार, वृंदावन के एक आश्रम से शुरू किया कथा प्रवचन का सिलसिला। गुप्तेश्वर पांडे की कथा के आगाज पर मरकजी वजीर ममलिकत अश्विनी चौबे और सुनील भराला भी पहुंचे, दोनों ने भागवत कथा सुनी। दिल्ली के एक तांत्रिक पर सालों तक जिनसे इस्तेमाल का इल्जाम, शाहजरा इलाके में रहने वाली एक खातून उसकी नाबालिग भांजी ने तांत्रिक पर लगाया इल्जाम। हरिद्वार में हुई हर घर गंगा जल मुहिम की शुरुआत, हर की पैड़ी से भेजा गया 3000 लीटर गंगा जल, यूपी बिहार समेत कई रियासतों में होगी डिलीवरी। रूप के बाद भी हरिद्वार पहुंचे कांवड़िए, पुलिस ने हर की पैड़ी से 14 को पकड़कर किया क्वारंटीन, कांवड़ का सामान बेचने वाले दो दुकानदारों पर भी कार्रवाई। यूपी के बलिया में प्रॉपर्टी के तनाजे में मारपीट, एक खातून की पिटाई, कैमरे में कैद तस्वीर, मुतासरा ने ससुराल वालों पर लगाया इल्जाम। यूपी के जौनपुर में एक नौजवान ने सालगिरह पर हाथ में तलवार लेकर निकाला जुलूस, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। यूपी के फर्रुखाबाद के हरिहरपुर गांव में मगरमच्छ के घुसने से मचा हड़कंप, महकमा जंगलात की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। गाजियाबाद में पुलिस ने पॉलिसी मैच्योर के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 14 खवातीन समेत 30 लोगों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ शराब कांड में माफिया अनिल चौधरी की 50 करोड़ 30 लाख के इमलाक जब्त, 12 से ज्यादा मुजरिमीन को माफिया करार देने के हुक्म। एमपी के मंदसौर में 3 नौजवानों की मुश्तबा मौत, 2 की हालत तश्वीशनाक, परिवार वालों ने जहरीली शराब से मौत का अंदेशा जताया। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं के इम्तिहान में इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी, 98.86% लड़कियां और 96.69% लड़के हुए पास। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस और क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े हीरा तस्कर, 22 लाख की कीमत के 204 हीरे बरामद, ग्राहक की तलाश में घूम रहा था तस्कर। अमेजोन पर बहुत जल्द आप क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकेंगे पेमेंट, ई कॉमर्स अमेजॉन कंपनी जल्द देगी इसकी मंजूरी। पिछले पूरे हफ्ते में गोल्ड की कीमतों में गिरावट का रुख रहा, सोने की कीमत 2000 रुपए से ज्यादा घटी, चांदी हुई 5739 रुपए सस्ती। भारत ने श्रीलंका को पहले T20 में 38 रनों से शिकस्त दी, मैन ऑफ द मैच रहे भुवनेश्वर कुमार भूवी ने 22 रन देकर 4 विकेट लिए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए, जवाब में श्रीलंकाई टीम 19वें ओवर में 26 रन पर ही ढेर हो गई। कंगना रनौत फिल्म धाकड़ के लिए जमकर बाहर रही है पसीना, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फिल्म से जुड़े रिहर्सल का वीडियो। दिशा पाटनी ने एक बार फिर अपने डांस से जीता फैंस का दिल, टाइगर श्रॉफ ने भी वीडियो देखकर की दिशा की तारीफ। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों की मेडल सेरेमनी में बगैर मास्क के दिखे खिलाड़ी, आईओए ने कहा ये सरासर कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी है। मलेशिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर, मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 10 लाख के पार। लॉकडाउन को लेकर हुई मुखालफत के बाद ऑस्ट्रेलिया में और बढ़ा कोरोना इन्फेक्शन का खतरा, साउथ वेल्स में डेल्टा वेरियंट से 2000 से ज्यादा लोग।